सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर 18 साल का एक लड़का फुटफुट कर रो रहा था और कह रहा था, माँ मुझे छोड़कर तुम क्यों चले गई? तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? तुमने बहुत दुख झेले माँ, और तुम्हें किसी तरह का मैं कोई सुख भी नहीं दे पाया। माँ की मौत पर कलेजा फाड़कर रोने वाला यह लड़का यहीं आगे चलकर 20वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह बना, और या फिर कहें विश्व का सबसे घृणित व्यक्ति के रूप में सामने आया, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। यह वही हिटलर था जिसने मात्र 6 साल के अंदर 60 लाख लोगों की हत्या करा दी। उसी के लाइफ के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के बगल में जो घंटा बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। हिटलर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे क्रूर व्यक्ति के रूप में हिटलर को ही जाना जाता है। आज भी जब किसी क्रूर व्यक्ति के बारे में चर्चा होता है तो उसकी तुलना हिटलर से ही की जाती है। कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 को, जब ऑस्ट्रिया में ब्रोमो एम इन में हिटलर का जन्म होता है। इनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर तथा माता का नाम क्लारा हिटलर था। इनके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिनमें से एडोल्फ हिटलर चौथे थे। इनके 3 भाई की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। एडोल्फ हिटलर जब 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मन रहने के लिए चला गया। फिर वो जर्मनी में ही रहें और पले बढ़े। एडोल्फ हिटलर बचपन से ही काफ़ी चालाक थे और अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे। उनकी रुचि पेंटिंग में थी, किंतु उनके पिता को यह पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एडोल्फ किसी टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे, और इसी के चलते उन्होंने उन्हें एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन भी दिला दिया, जिसके चलते एडोल्फ ने अपने पिता से झगड़ा भी कर लिया और अक्सर उन्हें अपने पिता से नहीं बनता था। फिर सन 1903 में उनके पिता एलोइस हिटलर का अचानक मृत्यु हो गया। चूँकि एडोल्फ हिटलर का टेक्निकल स्कूल में रुचि नहीं था, इसलिए उनका परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन खराब होता गया। यह ऐसा देखकर उनकी मां ने उन्हें वह स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। तब एडोल्फ हिटलर ने 4 साल तक लिन में ही पढ़ाई किया, और उसके बाद फिर वो वियना चले गए, जहां से वह फाइनल आर्ट की पढ़ाई करना चालू किए, क्योंकि उन्हें पेंटिंग में पहले से ही रुचि था। एडोल्फ हिटलर की मां कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए दिसंबर में सन 1907 में उनकी माता का निधन हो गया। माता की मृत्यु के बाद एडोल्फ हिटलर के जीवन में दुख का पहाड़ आ गया। वह कुछ सालों के लिए घर से दूर चले गए और हॉस्टल में रहने लगे। चूंकि उन्हें पेंटिंग का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, 2 बार वो प्रयास किए और दोनों बार उनका प्रयास असफल हो गया, इसलिए पैसा कमाने के लिए वह पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। ऐसा माना जाता है कि इसी समय से साम्यवादियों और यहूदियों के प्रति उनमें घृणा का भावना पनपना चालू हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया, तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया, जिसमें वे काफ़ी ही सक्षम और एक बहादुर सेना साबित हुए। इसके चलते उन्हें आयरन क्रॉस से भी नवाजा गया। 1918 के युद्ध में वे घायल हो गए, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जर्मनी की पराजय हुई, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। चूँकि 1918 में जर्मनी का युद्ध में हार हो गया था और यह हिटलर को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्टिक ऑर्बिटर पार्टी यानी नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वह हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही कारण है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। एडोल्फ हिटलर को एक कुशल वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो गया और उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए और 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया।
जिसके कारण उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन हिटलर को सिर्फ 13 महीने ही जेल में कैद रखा गया। वहीं जेल में हिटलर ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम मिन कैम्फ था, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश की सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा, आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद ही हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। 1930-32 में जर्मनी में बेरोजगारी काफी ही ज्यादा बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष को फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 में वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका और वह जर्मनी का चांसलर बन गया। उसके बाद हिटलर ने अपना असली रूप लोगों को दिखाना चालू कर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों का कत्लेआम करवाना चालू कर दिया। जैसे ही राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ, उसके बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना चालू कर दिया। हिटलर के आदेशानुसार ही जर्मन के सारे जातियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1934 में जर्मन और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर डाला। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लाविया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों का अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरू में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। फ्रांस की पराजय के बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया, तब हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी और हिटलर को ऐसा लगने लगा कि अब उसकी पराजय निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः हार की डर से ही हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हिटलर का जिस समय अंत हुआ, उसके कुछ समय पहले ही वह अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी रचाई थी और हिटलर अगले ही दिन खुदकुशी कर लिया। हिटलर और ब्राउन की 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में मौत हो गई थी। जैसे ही हिटलर ने खुद को गोली मारी, उसके तुरंत बाद ब्राउन ने भी जहर खा लिया था। हिटलर ने जब ब्राउन से अपनी शादी की बात कही तो सचिव सन्न रह गई। हिटलर कहता रहा था कि वह कभी शादी नहीं करेगा। उसने लिखवाया, मैं और मेरी पत्नी ने समर्पण और मारे जाने की शर्म के बजाय मौत चुनना ज्यादा अच्छा समझा। उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनका शव जला दिया जाए, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को उनके बगीचे में ले जाकर जला दिया गया और इस तरह वो दुनिया से विदा हो गए। अब बता देता हूँ आपको हिटलर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। हिटलर को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था और वो बचपन से ही बहुत ही बीमारियों से ग्रस्त रहते थे। 1929 में उनकी मुलाकात ईवा ब्राउन से हुई, जो धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर 29 अप्रैल 1945 को उससे उन्होंने शादी कर ली। हिटलर कितना बड़ा तानाशाह और क्रूर व्यक्ति था, इसी से पता चलता है कि जब 1933 में जर्मनी के सत्ता पर एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था, तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी और यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया और जड़ से यहूदियों को समाप्त करने का आदेश दे दिया, जिसमें 6 साल के अंदर ही करीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 15 लाख सिर्फ छोटे बच्चे थे। हिटलर हमेशा मौत के साए में जीता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके खाने में जहर दे दिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने उसके खाने में जहर देकर उसे मारने का प्लान बना रखा था और यह बात उसे उसके जासूसों से पता चला था, इसलिए हिटलर ने फूड टेस्टरों को नियुक्त किया था। हिटलर के सेक्स लाइफ के बारे में कहा जाता है कि उसका लिंग काफ़ी ही छोटा था, जिसके कारण वह महिलाओं से संबंध नहीं बना पाता था और महिलाओं के सामने वह सहज नहीं होता था। वह अपने यौन पावर को बढ़ाने के लिए साढ़ के वीर्ज का इंजेक्शन लिया करता था।
हिटलर के मूंछ के बारे में कहा जाता है वह इतना मूंछ छोटा क्यों रखता था। इसके पीछे कारण यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसे मास्क फिट होने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपनी मूंछ छोटा करने का आदेश दिया था। हिटलर उतना क्रूर होते हुए भी उसे जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। 1933 में सत्ता मिलने के बाद उन्होंने घोषणा किया था कि उनके राज्य में किसी तरह की कोई भी क्रूरता जानवरों के साथ न किया जाए। 1939 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए आया था, हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसके बाद उनका नाम इसमें कभी नहीं आया। हिटलर ने धूम्रपान करने वालों का विरोध किया और सन 1930 से 1940 के दौरान पहली बार इसके खिलाफ धूम्रपान विरोधी जन आंदोलन भी चलाया गया। हिटलर को 20वीं सदी का दुनिया का सबसे बुरा आदमी कहा जाता है। तो ये थी कहानी 20वीं सदी के सबसे बुरे आदमी के। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रोचक जानकारी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों यह बिल्कुल फ्री है।